पूजा भट्ट ने मनीषा रानी पर लगाया इल्जाम। भड़के यूजर्स ने किया पूजा भट्ट को ट्रोल। लोग बोले पूजा भट्ट को निकालो बिग बॉस के घर से बाहर। बिग बॉस ओटीटी 2 में अक्सर दर्शकों को कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते रहते हैं। वहीं जब से ये शो ऑन एयर हुआ है तब से बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट को शो की मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसी वजह से एक्ट्रेस को दर्शकों का खूब प्यार भी मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने बिग बॉस हाउस में कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिस वजह से उन्हें ट्रोलर्स के निशाने पर आना पड़ा। दरअसल बिग बॉस ओटीटी 2 का बीता एपिसोड खूब उथल पुथल भरा रहा। सलमान खान ने वीकेंड के वार में एल्विश यादव को बुरी तरह से फटकार लगाई। यहां तक कि अचानक एल्विश की मां को भी वीडियो कॉल कर बुला लिया गया। आपको बता दें कि एल्विश ने बेबी का ध्रुवे के खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पूरे एपिसोड में सलमान ने एल्विश पर गुस्सा निकाला। लेकिन इस दौरान शो में मौजूद पूजा भट्ट भोजपुरी एक्ट्रेस मनीषा रानी को खरी खोटी सुनाती नजर आई। दरअसल ऐसे में अब घर में मनीषा की पीठ के पीछे अविनाश, बेबी का, जिया और पूजा भट्ट बात करते दिखे। दरअसल जिया शंकर एल्विश यादव की उस कन्वर्सेशन के बारे में बात करती दिखी थी जिसमें वो बेबिका के बारे में गलत बातें बोलते दिखे थे, जिसके चलते सलमान ने उन्हें फटकार भी लगाई। ये बातचीत चल ही रही थी कि इस पर पूजा ने मनीषा के लिए कहा कि उन्होंने मनीषा को हमेशा ऊपर उठाया और कहा कि वह मासूमियत से करती हैं जो भी करती हैं। जिस दिन उनकी मासूमियत खत्म हो जाएगी सब खत्म हो जाएगा, अब वो हो रहा है। इसके साथ ही पूजा ने आगे कहा कि मनीषा की मासूमियत खत्म हो गई है, वो लोगों को लड़ाती है, आग लगाती हैं। हालांकि एक्ट्रेस यही नहीं रुकी, पूजा ने मनीषा के लिए आगे कहा कि घिन आती है मुझे। बस फिर क्या था, एक्ट्रेस पूजा भट्ट के इतना भर कहने से ही मनीषा के फैंस सोशल मीडिया पर पूजा के खिलाफ जहर उगलने लगे। इतना ही नहीं, पूजा भट्ट ने मनीषा के लिए जो बातें कही उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगी। ऐसे में कई लोग पूजा भट्ट को हिपोक्रेटिक कहने लगे। एक यूजर ने लिखा, बहुत शर्मनाक है कि कैसे पूजा भट्ट लगातार मनीषा के लिए ऐसी बीमार बातें बोलती ही जा रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं। तो किसी ने कहा कि पूजा भट्ट को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वैसे आपको ये भी बता दें कि सलमान खान को भी इस एपिसोड में एल्विश को डांटना भारी पड़ा है। लोगों ने एक्टर सलमान खान को भी जमकर ट्रोल किया। सलमान की ये बातें एल्विश के फॉलोवर्स को नागवार गुजरी हैं, जिसके बाद वो शो की रेटिंग्स कम करने की मांग कर रहे हैं। एक फैन ने इस पर कमेंट किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिस तरह सलमान खान एल्विश को डीमोटिवेट करने के लिए उनकी मां को बीच में लाए, इस तरह तो सलमान को बेबिका के पापा को भी स्टेज पर लाना चाहिए। एक अन्य यूजर ने इस पर बिग बॉस को फेक बता दिया और लिखा, बिग बॉस 2 फेक, सलमान खान फेक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।